दिल्ली के सरबजीत एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जिनकी झड़प रोड पर चलते हुए जसलीन नाम की एक युवती से हुई। इसके चलते जसलीन ने उनकी एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसमें उन्होंने सरबजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया, इज्जत गई, नौकरी गई, मीडिया ने आरोपी करार दे दिया, पिता को हार्ट अटैक आ गया। जब सालों बाद कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह मानते हुए बरी किया, तब तक उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा ही एक वीडियो अलवर शहर का भी सामने आया, जिसमें एक पत्नी अपने पति को बुरी तरह मार रही है। ये बात सच है कि ऐसी ज्यादातर घटनाओं में पीड़ित एक महिला ही होती है, लेकिन क्या पुरुष के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या फिर हैरेसमेंट नहीं हो सकता? हमारे कानून के हिसाब से तो नहीं। 2013 में वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498A के तहत भी डोमेस्टिक क्रुएल्टी के लिए केवल एक पुरुष को ही आरोपी माना जा सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है, जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। कमेंट्स में डिस्कस करते हैं जागरूक जनता, लेकिन सिविलाइज तरीके से।